हेलो गाइस, मैं हूं तासिक। आप देख रहे हैं टेक्नोता है यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आप लोग तो थंबनेल देख के ही आए होंगे कि उस टाइप का इपिक थंबनेल कैसे बनाया जाए, वो भी अपने एंड्रॉइड फोन से। गाइस, अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लिए, 100% आप भी एक इपिक थंबनेल मेकर बन जाएंगे। बस आप लोग वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहेगा, मेरे स्टेप को फॉलो करिएगा। और गाइस, अगर आप इस चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, यहाँ पे मेरी स्क्रीन आप लोगों को दिख गई होगी। अब गाइस, आप लोगों को थंबनेल बनाने के लिए इन तीन एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी। फर्स्ट पे है फोटोशॉप सीसी, सेकंड पे पिक्सेल लैब, थर्ड पे लाइटरूम। गाइस, पिक्सेल लैब और लाइटरूम ये दोनों एप्लीकेशन आप लोगों को प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, वहां से इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। और गाइस, फोटोशॉप सीसी जो है ये मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, टेलीग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी, ज्वाइन होकर इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और गाइस, वीडियो थोड़ा लंबी होगी बट बेटर होगी, अगर आप लोग वीडियो को पूरी देख लिए तो 100% आप एक प्रो थंबनेल मेकर बन जाएंगे। सो गाइस, अब आप लोगों को सबसे पहले फोटोशॉप सीसी को ओपन करना पड़ेगा। ओपन करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। सबसे पहले आप लोगों को एक सेटिंग को ऑन करना पड़ेगा। यहाँ पे आप लोगों को ऊपर सेटिंग का ऑप्शन दिख जाएगा, इस पे क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आपका ऑटो रिकवरी डिसेबल रहेगा, इसको हम लोगों को इनेबल कर देना, ताकि अगर हम लोग अपने फोटोशॉप सीसी को क्लोज करें तो हम लोगों का प्रोजेक्ट डिलीट ना हो। सो गाइस, यहाँ पे मैंने इनेबल कर दिया। अब यहाँ पे आप लोगों को नीचे फोटो प्लस का ऑप्शन दिखेगा, इस पे टैप कर देना है। टैप करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे फोर्थ नंबर पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट का ऑप्शन दिखेगा, इस पे क्लिक कर देना है। अब आप लोगों को यहाँ से थंबनेल की साइज को टाइप कर देना है, जो हम लोग की थंबनेल की साइज रहती है 1920x1080। गाइस, यही हम लोग की थंबनेल की साइज होती है, तो यहाँ पे मैं 1920 टाइप कर दूंगा। टाइप करने के बाद आप लोगों को टिक पे क्लिक कर देना है। उसके बाद गाइस, यहाँ पे आप लोगों को ओके पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे फ्रेम देखने को मिल जाएगा। अब गाइस, यहाँ पे आप लोगों को नीचे राइट साइड में लेयर का ऑप्शन दिखेगा, इस पे टैप करके आप लोगों को यहाँ पे ऐड बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को फोटो लेयर पे क्लिक करना है। उसके बाद गाइस, यहाँ पे आप लोगों को फोटो लाइब्रेरी पे क्लिक कर देना है। तो गाइस, यहाँ पे आप लोगों की फाइल ओपन हो जाएगी। अब यहाँ से हम लोग अपना बैकग्राउंड लेंगे। गाइस, जैसा कि आप लोगों की वीडियो जिस भी टॉपिक पे होगी उस टाइप का बैकग्राउंड लीजिएगा। जैसे कि मेरी वीडियो है हाउ टू क्रिएट एआई अवतार, तो गाइस मैं एआई अवतार का बैकग्राउंड लूंगा। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एआई अवतार का बैकग्राउंड डाउनलोड करके रखा है, तो मैं उसी को सेलेक्ट कर लूंगा। तो गाइस, यहाँ से मैंने एआई अवतार का बैकग्राउंड ले लिया है। अब इसको आप लोगों को पूरा फुल जूम कर देना है। उसके बाद गाइस, यहाँ पे आप लोगों को अगेन लेयर पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे प्लस का ऑप्शन दिखेगा, इस पे टैप करना है। टैप करने के बाद आप लोगों को थर्ड नंबर पे डुप्लीकेट लेयर का ऑप्शन दिखेगा, इस पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि डुप्लीकेट लेयर हो चुका है। अब गाइस, आप लोगों को फर्स्ट वाले पे क्लिक करके उसके बाद गाइस, आप लोगों को यहाँ पे ऊपर एंड का ऑप्शन दिखेगा, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन दिखेगा, इस पे टैप कर देना है। अब गाइस, इस पे टैप करने के बाद आप लोगों को इसको थोड़ा सा राइट साइड में ट्रांसफॉर्म कर देना है। गाइस, यहां पे मैंने इतना कर दिया। अब गाइस, आप लोगों को अगेन लेयर पे क्लिक करके सेकंड वाले फोटो को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों को अगेन एंड पे क्लिक करना है। उसके बाद गाइस, यहां पे इसको भी आप लोगों को ट्रांसफॉर्म पे क्लिक कर देना है। अब गाइस, यहां पे मैं लेफ्ट साइड में थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म कर देता हूं। सो गाइस, यहां पे आप लोग देख सकते हैं कि दोनों का फेस लेफ्ट साइड है, मैं एक का फेस राइट साइड कर देता हूं। यहां पे आप लोगों को फ्लिप का ऑप्शन दिखेगा, इस पे टैप कर देना। उसके बाद गाइस, इसका फेस राइट साइड हो जाएगा। उसके बाद गाइस, आप लोगों को नीचे टिक पे क्लिक कर देना है। अब गाइस, यहां पे आप लोगों को अगेन लेयर पे क्लिक करना है, फर्स्ट फोटो को सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों को यहां पे फेड का ऑप्शन दिखेगा, इस पे क्लिक कर देना है। फेड पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को ये दोनों पॉइंट को एकदम बीच में रख देना है। उसके बाद गाइस, रखने के बाद आप लोगों को यहां पे नीचे टिक पे क्लिक कर देना है। अब गाइस, ये दोनों का फेस एक साइड हो चुका है। अब यहां पे थोड़ा जो दोनों का फेस है ज्यादा नजदीक हो गया, अब हम लोग इसको थोड़ा सा दूर कर देंगे। उसके बाद गाइस, आप लोगों को अगेन एंड के ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहां पे ट्रांसफॉर्म पे क्लिक कर देना। अब इसको मैं थोड़ा सा साइड कर देता हूँ। ये देखिए गाइस, ये दोनों फेस जो है थोड़ा दूरी पे हो गया है। अब गाइस, यहाँ पे आप लोगों को दोनों को मर्ज कर देना है, अगेन लेयर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद गाइस, यहाँ पे छोटा सा लेयर आप लोगों को दिखेगा, उस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे नीचे सेकंड नंबर पे मर्ज का ऑप्शन दिखेगा, इस पे टैप कर देना है। उसके बाद गाइस, यहाँ पे आप लोगों को मर्ज डाउन पे क्लिक कर देना है, ये दोनों मर्ज हो जाएगा। अब गाइस, यहाँ पे हम लोगों का दोनों फोटो मर्ज हो चुका है। अब हम लोग इसमें कलर को ऐड करेंगे। यहाँ पे आप लोगों को फोटो को सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऊपर आप लोगों को एफएक्स का ऑप्शन दिखेगा। उसके बाद गाइस, यहाँ से आप लोग टिंट को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को बीच में कलर दिखेगा, कलर पे क्लिक कर देना। अब यहाँ से आप लोगों को जो भी कलर बेटर लगे उसको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे मैं ब्लू कलर को सेलेक्ट कर लेता हूँ।
कलर को सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे ल्यूमिनोसिटी का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर टैप कर देना है। टैप करने के बाद आप लोगों को इसको जीरो पे कर देना है। यहाँ पर गाइज आप लोग देख सकते हैं कि मेरा जो फोटो था उसका ब्लैक थोड़ा ज्यादा हो चुका है। उसके बाद गाइज यहाँ पे आप लोगों को टिक पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों को अगेन एफएक्स पे क्लिक करना है। उसके बाद गाइस यहाँ पे आप लोगों को लास्ट में लाइटिंग का ऑप्शन दिखेगा, इस पर टैप कर देना है। टैप करने के बाद आप लोगों को लाइट को भी एडजस्ट कर लेना है। यहाँ पे गाइस मैं लाइट को एडजस्ट कर लेता हूँ। ये देखिए गाइस मेरा जो बीच में है ज़्यादा लाइटिंग है और राइट साइड में ब्लैक हो गया। अब गाइस इसको भी सेट करके आप लोगों को टिक पे क्लिक कर देना है। अब गाइस इसके बाद हम लोग इसमें थोड़ा सा डिजाइनिंग ऐड करेंगे। डिजाइनिंग ऐड करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को लेयर पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद गाइस यहाँ पे आप लोगों को प्लस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों को सेकंड नंबर पे एम्प्टी लेयर का ऑप्शन दिखेगा, इस पे टैप कर देना है। आपका एम्प्टी लेयर क्रिएट हो जाएगा। क्रिएट होने के बाद अब आप लोगों को एम्प्टी लेयर को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे गाइस देख सकते हैं कि मेरा एम्प्टी लेयर सिलेक्ट है। सेलेक्ट करने के बाद गाइस आप लोग ऊपर देख सकते हैं कि एंड का सिंबल बना है, तो उस पर क्लिक करके लास्ट में फर्स्ट नंबर पे फिल एंड स्ट्रोक का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों का अगर कलर व्हाइट रहेगा तो कलर पे क्लिक करके ब्लैक कलर को सिलेक्ट कर लेना है। अब गाइस यहाँ पे मैंने ब्लैक कलर को सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद गाइस आप लोगों को एफएक्स पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे बहुत से इफेक्ट देखने को मिलेंगे। स्टाइलिश पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे हाफ टोन पैटर्न को सिलेक्ट करना है। सेकंड नंबर पे जो इफेक्ट है इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों को इसकी साइज 24 या 25 पे रख देनी है। साइज को सेट करने के बाद आप लोगों को टिक पे क्लिक कर देना है। अब गाइस यहाँ पे आप लोगों को अगेन लेयर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद गाइस आप लोगों को इसी डिजाइन को सिलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे प्लस के साइड में जो लेयर का ऑप्शन है उस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को ब्लेंड मोड देखने को मिलेगा। ब्लेंड मोड पे टैप करके यहाँ पे आप लोगों को सबट्रैक्ट पे क्लिक करना है। अब देखिए गाइस जो बैकग्राउंड था वो थोड़ा डिजाइनिंग हो गया है। उसके बाद गाइस अब हम लोग इसमें ऐड करेंगे अपने फोटो को। यहाँ पे आप लोगों को लेयर पे क्लिक करना है। उसके बाद प्लस पे क्लिक करना है। फोटो लेयर, फोटो लाइब्रेरी, यहाँ से अब जो भी आपकी फोटो की PNG रहेगी उसको ले लेना है। यहाँ पे मैं अपने फोटो की PNG ले लेता हूँ। सो गाइस यहाँ पे मैंने फोटो की PNG ले ली है। अब जो मेरा फोन है ये लेफ्ट साइड पे है, मैं इसको राइट साइड करूंगा। यहाँ पे फ्लिप एक्स पे क्लिक कर दूंगा, मेरा राइट साइड हो जाएगा। अब गाइस इसको मैं थोड़ा सा रोटेट करूंगा ताकि ये थोड़ा सही दिखे। अब मैं इसको रोटेट कर दिया हूँ, इसको सेट कर लूंगा अपने हिसाब से जहाँ पे भी मुझे इसको रखना है। यहाँ पे मैंने इसको सेट कर दिया है। गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने फोन को अपने हाथ में लिया है। अब मैं यहाँ पे दूसरे फोन की PNG ऐड करूंगा, जिसमें मैंने ऑलरेडी फोन में फोटो सेट करके रखा हुआ है, उसकी PNG भी मैंने बना के रखी हुई है। अगर आप लोगों को PNG बनाना है तो प्ले स्टोर पे आप लोगों को एक एप्लीकेशन मिल जाएगा जिसका नेम है फोटो रूम। उसमें आप लोग वन टैप में अपने फोटो की PNG बना सकते हैं। उसके बाद गाइज यहाँ पे मैं अपने फोन को ऐड कर लेता हूँ। लेयर पे क्लिक करूंगा, प्लस फोटो लेयर, फोटो लाइब्रेरी, यहां से मैं फोन को सेलेक्ट कर लूंगा। अब मैं इसकी साइज को अपने फोन पे सेट कर दूंगा। अब गाइस यहाँ पे मैंने फोन की साइज को सेट कर दिया। अब मैं इसको जूम कर लूंगा। जूम करने के बाद अब गाइस हम लोग फोन की ऑपेसिटी को कम करेंगे ताकि हम लोग फोन को परफेक्ट जगह रख सकें। यहाँ पे आप लोगों को लेयर पे क्लिक करना है, फोन वाले लेयर को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद गाइस यहाँ पे आप लोगों को प्लस के बगल वाले में लेयर का ऑप्शन दिखेगा, इस पे टैप कर देना है। यहाँ पे आप लोगों को ऑपेसिटी को 50 पे रख लेना है। यहाँ पे गाइस मैंने रख लिया। उसके बाद गाइस यहाँ पे अब हम लोग अपने फोन को एकदम फोन पे सेट करेंगे। उसके बाद गाइस आप लोग देख लीजिएगा कि आप फोन का लेयर सिलेक्टेड है कि नहीं। यहाँ पे देखिए मेरा फोन का लेयर सिलेक्टेड है। इस पे सिलेक्ट करके आप लोगों को अगेन एंड पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे रैप का ऑप्शन दिखेगा, इस पे टैप कर देना है। अब गाइस यहाँ पे मैं चारों कॉर्नर पे अपने फोन को सेट कर दूंगा। सो गाइस यहाँ पे मैंने फोन को सेट कर लिया है। अब गाइस जो मेरी फिंगर है वो फोन से ढक गई है, मैं इसको इरेज करूंगा ताकि मेरी फिंगर फोन के ऊपर दिखे। यहाँ पे आप लोगों को लेयर में जाके देख लेना कि हम लोगों का फोन का लेयर सिलेक्टेड है कि नहीं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मेरा फोन का लेयर सिलेक्टेड है। अब गाइस यहाँ पे आप लोगों को नीचे लेफ्ट साइड में रेक्टेंगल का ऑप्शन दिखेगा, इस पे टैप कर देना। टैप करने के बाद आप लोगों को थर्ड नंबर पे ब्रश का ऑप्शन दिखेगा, इस पे होल्ड करके रखना है। रखने के बाद आप लोगों को स्वाइप करना है राइट साइड, स्वाइप करके इरेजर पे छोड़ देना, आपका इरेजर सिलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे नीचे आप लोगों को ब्रश का ऑप्शन दिखेगा, इस पे टैप करके आप लोगों को इरेजर की साइज सिलेक्ट कर लेनी है। मैं यहाँ पे इरेजर की साइज थोड़ा सा छोटी कर देता हूँ। उसके बाद हार्डनेस को भी थोड़ा सा कम कर देता हूँ। अब गाइस यहाँ पे मैं फोन को इरेज करूंगा।
सो गाइस मैंने फोन को इरेज कर दिया है, मेरी फिंगर अब जो फोन के ऊपर दिखने लगी है। अब गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा थंबनेल रेडी हो चुका है। अब गाइस यहाँ पे जो थंबनेल दिख रहा है उसमें मेरे फेस एंड हैंड पे लाइट बहुत ज्यादा है। अब मैं इस लाइट को भी कम कर दूंगा। अगेन आप लोगों को लेयर पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं अपने फोटो का लेयर सेलेक्ट कर लूंगा। सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों को अगेन ऊपर इफेक्ट्स पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे बेसिक पे टैप कर देना है। टैप करने के बाद नीचे लास्ट में लाइटिंग का ऑप्शन दिखेगा, इस पे टैप कर देना है। अब गाइस यहाँ से आप लोगों को लाइट को सेट कर देना है। यहाँ पे मैंने लाइट को भी सेट कर दिया। ये देखिए गाइस मेरा थंबनेल रेडी हो चुका है। अब गाइस यहाँ पे हम लोग इसको सेव करेंगे। ऊपर आप लोगों को लेफ्ट साइड पे डन का ऑप्शन दिखेगा, इस पे टैप करके सेव बटन पे क्लिक कर देना। आपका प्रोजेक्ट जो है वो सेव हो जाएगा। अब हम लोग इसको एक्सपोर्ट करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को एक सेटिंग और कर देनी है ताकि हम लोग का जो फोटो है वो हाई क्वालिटी में एक्सपोर्ट हो। यहाँ पे आप लोगों को ऊपर सेटिंग पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे थर्ड नंबर पे इमेज इंपोर्ट का ऑप्शन दिखेगा, इस पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आप लोगों का 3 मेगापिक्सल सेलेक्ट होगा। यहाँ पे आप लोगों को इस पे टैप करके 12 मेगापिक्सल को सिलेक्ट कर लेना है। जो सबसे हाई दिखे आप में उसको सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे मैं 12 मेगापिक्सल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। गाइस अब आप लोगों को फोटो के बगल में एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिख जाएगा, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों को सेव टू गैलरी पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आप लोगों को जो भी फोटो को सेव करना है उसको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे मैं जो क्रिएट किया हूँ इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद ओके पे क्लिक कर देंगे, आपका फोटो जो है वो गैलरी में सेव हो जाएगा। थंबनेल में जो हम लोग टेक्स्ट ऐड करेंगे उसके लिए हम लोग पिक्सेल लैब को यूज करेंगे। पिक्सेल लैब से बहुत ही अमेजिंग टेक्स्ट ऐड होता है। अब गाइस यहाँ पे आप लोगों को पिक्सेल लैब को ओपन करना है। अब गाइस यहाँ पे मैंने पिक्सेल लैब को ओपन कर दिया है। उसके बाद गाइस यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले इमेज की साइज को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ऊपर 3 डॉट दिखेगा, इस पे क्लिक करके यहाँ पे इमेज साइज पे क्लिक कर देना है। अब जो हम लोग की थंबनेल की साइज होगी उसकी विड्थ जो है 2560 और हाइट जो है 1440 पे रहेगी। ये नंबर आप लोग टाइप कर लीजिएगा। टाइप करने के बाद आप लोगों को ओके पे क्लिक कर देना है। अब गाइस यहाँ पे आप लोगों को ऊपर मिडल में प्लस का ऑप्शन दिखेगा, इस पे टैप करना है। टैप करने के बाद आप लोगों को 5th नंबर पे फ्रॉम गैलरी का ऑप्शन दिखेगा, इस पे टैप करना है। यहाँ से आप लोगों को अपना फोटो ले लेना है। यहाँ पे जो मैंने फोटो एक्सपोर्ट किया था उसको ले लिया हूँ। फोटो को लेने के बाद यहाँ पे आप लोगों को टिक पे क्लिक कर देना है। अगर आप लोगों को फोटो को क्रॉप करना है तो कर सकते हैं। यहाँ पे मैं टिक पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद गाइस आप लोगों को यहाँ पे पूरे फ्रेम में फोटो को जूम कर लेना है। जूम करने के बाद अब गाइस यहाँ पे आप लोगों को टेक्स्ट को ऐड करना है। यहाँ पे आप लोगों को अगेन प्लस पे क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को टेक्स्ट का ऑप्शन दिख जाएगा, इस पे टैप कर देना। आपका टेक्स्ट आ चुका है। अब आप लोगों को टेक्स्ट पे डबल टैप करना है। जैसे ही डबल टैप करेंगे आप लोगों का टेक्स्ट राइटर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ हाउ टू क्रिएट। टाइप करने के बाद आप लोगों को डन पे क्लिक करके ओके पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आ चुका है। अब गाइस आप लोगों को इसके फंड को चेंज करना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि नीचे राइट साइड पे ए ऑप्शन बना हुआ है, इस पे टैप करना है। टैप करने के बाद आप लोगों को नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए आना है। यहाँ पे फंड का ऑप्शन दिख जाएगा, इस पे टैप करके आप लोग यहाँ से कोई भी एक फंड को सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं कोई भी फंड सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब गाइस मैं इसको थोड़ा सा रोटेट कर दूंगा। यहाँ पे आप लोग फंड के ऊपर देख सकते हैं कि रोटेट का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पे क्लिक करके आप लोगों को -3 डिग्री पे रख लेना है। गाइस आप लोग अपने हिसाब से रोटेट कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने रोटेट कर दिया। उसके बाद गाइस अब हम लोग इसमें ग्लो लाएंगे। ग्लो को लाने के लिए आप लोगों को नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए आना है। यहाँ पे आप लोगों को शैडो का ऑप्शन दिखेगा, इस पे टैप करके आप लोगों को शैडो को इनेबल कर देना है। अब ये मेरा जो टेक्स्ट है वो व्हाइट कलर है तो मैं शैडो को भी व्हाइट कलर ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं व्हाइट कलर सेलेक्ट कर लूंगा। सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों को ब्लर रेडियस को पूरा 50% कर देना है। अब गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मेरा टेक्स्ट ग्लो हो चुका है। अब मैं एक टेक्स्ट और टाइप करूंगा, AI अवतार। यहाँ पे आप लोगों को टेक्स्ट पे क्लिक करके ऊपर लेफ्ट साइड पे पेन का ऑप्शन दिखेगा, इस पे टैप करना है। उसके बाद गाइस यहाँ पे आप लोगों को डुप्लीकेट का ऑप्शन दिख जाएगा, इस पे टैप कर देना। आपका टेक्स्ट डुप्लीकेट हो जाएगा। अब गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये डुप्लीकेट हो चुका है। इसको मैं नीचे लाऊंगा, डबल टैप करूंगा, ये टेक्स्ट एडिटर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा AI अवतार। इसको भी डन पे क्लिक करके ओके पे क्लिक कर देना है। उसके बाद गाइस आप लोगों को अगेन ए ऑप्शन पे टैप करना है। टैप करने के बाद आप लोगों को नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए आना है। यहाँ पे आप लोगों को कलर का ऑप्शन दिख जाएगा, कलर पे क्लिक करके आप लोगों को इसका कोई भी कलर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे मैं येलो कलर को सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों को टिक पे क्लिक कर देना है। अब गाइस इसको भी मैं ग्लो कर देता हूँ। यहाँ से मैं ग्लो को भी येलो कलर को ले लूंगा। अब गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि येलो कलर का ग्लो आ चुका है। सो गाइस हम लोगों का टेक्स्ट भी ऐड हो चुका है। अब हम लोग इसको एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट करने के लिए आप लोगों को ऊपर 3 डॉट दिखेगा, उस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे एक्सपोर्ट इमेज का ऑप्शन दिख
दिख जाएगा। इस पे क्लिक करके सेव टू गैलरी पे क्लिक कर देना है तो आपका फोटो गैलरी में सेव हो जाएगा। सो गाइस अब यहाँ पे हमारा पिक्सेल लैब का भी प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं लाइटरूम एप्लीकेशन में। यहाँ पे मैं लाइटरूम एप्लीकेशन को ओपन कर लिया हूँ। उसके बाद गाइस आप लोगों को नीचे यहाँ पे ब्लू कलर का फोटो प्लस का ऑप्शन दिख जाएगा। इस पे टैप करके आप लोगों को उसी थंबनेल को सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों को नीचे ऐड पे क्लिक कर देना, आपका फोटो जो है लाइटरूम में ऐड हो जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को ऑल फोटो का ऑप्शन दिखेगा, इस पे टैप करके फोटो को सेलेक्ट कर लेना है। अब गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने जो फोटो एक्सपोर्ट किया था पूरा जूम नहीं हो पाया, साइड में आप लोगों को लाइन देखने को मिल रही है। इसको ठीक करने के लिए आप लोगों को क्रॉप पे क्लिक कर देना है। उसके बाद गाइस यहाँ पे आप लोगों को कस्टम पे क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए आना है, 16:9 दिख जाएगा, इस पे टैप कर देना है। टैप करने के बाद आप लोगों को इसकी साइज को सिलेक्ट कर लेना है, ये क्रॉप हो जाएगा। गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि वो लाइनिंग हट चुकी है। अब यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले लाइट को एडजस्ट करना है। यहाँ पे आप लोगों को स्क्रॉल राइट करते हुए आना है, यहाँ पे लाइट का ऑप्शन दिख जाएगा, इस पे टैप करना है। टैप करने के बाद आप लोगों को इसके एक्सपोजर को -10 पे रख देना है। उसके बाद गाइस कंट्रास्ट को आप लोगों को 15-20 के बीच में रख देना है। उसके बाद गाइस यहाँ पे आप लोगों को शैडो को 15-20 के बीच में रख देना है। नीचे आप लोगों को ब्लैक का ऑप्शन दिख जाएगा, इसको आप लोगों को 5-10 के बीच में रखना है। अब गाइस यहाँ पे हमारा लाइट का भी प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं कलर के ऑप्शन पे। यहाँ पे लाइट के बगल में कलर का ऑप्शन दिख जाएगा, इस पे टैप करना है। टैप करने के बाद आप लोगों को ऊपर मिक्स का ऑप्शन दिखेगा, इस पे टैप करना है। अब गाइस यहाँ पे आप लोगों को जितना भी कलर दिख रहा है सब कलर के सैचुरेशन को 15-20 के बीच में रख देना है। अब गाइस यहाँ पे जो मेरा बैकग्राउंड लाइट है वो ब्लू कलर है, थोड़ा ज्यादा लाइट दिख रही है, इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर दूंगा। यहाँ पे मैं ब्लू कलर को थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, मेरे बैकग्राउंड की लाइट डार्क हो जाएगी। सो गाइस अब यहाँ पे हमारा कलर का भी प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे आप लोगों को कलर के बगल में दिखेगा इफेक्ट का ऑप्शन, इफेक्ट पे क्लिक करके आप लोगों को टेक्सचर को 70-80 के बीच में रख लेना है। उसके बाद गाइस क्लैरिटी को आप लोगों को अपने हिसाब से सेट कर लेनी है, 10 या 12, जैसा आपका फोटो रहेगा उसी हिसाब से क्लैरिटी को सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे आप लोगों को विजनेट का ऑप्शन दिखेगा, इसको आप लोगों को -20-30 के बीच में रख देना है। अब यहाँ पे आप लोगों को नीचे फेदर का ऑप्शन दिखेगा, इसको आप लोगों को 60-70 के बीच में रख देना है। अब गाइस यहाँ पे हमारा इफेक्ट का भी प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब बचा है लास्ट प्रोसेस जो है डिटेल का। यहाँ पे आप लोगों को डिटेल पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आप लोगों को शार्पनिंग को 20-30 के बीच में रख देना है। उसके बाद गाइस यहाँ पे आप लोगों को मास्किंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पे टैप करना है। टैप करने के बाद आप लोगों को इसको इंक्रीज करना है। उसके बाद आप लोगों को डबल फिंगर को यूज करना है, दोनों फिंगर से आप इंक्रीज करेंगे, ये देखिए गाइस मेरा जो व्हाइट कलर है वो दिखने लगा है। जितना कम होगा उतना ही आपका थंबनेल बेटर दिखेगा। यहाँ पे मास्किंग को आप लोगों को 70-80 के बीच में रख देना है। अब गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मेरा थंबनेल रेडी हो चुका है। अब गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि लाइटिंग को एडिट करने के बाद मेरा फोटो कैसा दिखने लगा, ये बिफोर है ये आफ्टर है। गाइस ऐसे ही करके आप एकदम इपिक थंबनेल बना सकते हैं। अब गाइस यहाँ पे हम लोग इस फोटो को सेव करेंगे। ऊपर आप लोगों को शेयर का बटन दिखेगा, उस पर टैप करके सेव टू डिवाइस पे क्लिक कर देना, आपका फोटो सेव हो जाएगा। और गाइस यार वीडियो को लाइक करना ना भूलना, बहुत ही मेहनत लगती है यार वीडियो बनाने में। आई होप कि गाइस ये एप्लीकेशन आप लोगों को बहुत ही पसंद आया होगा। गाइस अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आती तो मुझे डायरेक्ट इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। गाइस ऐसी लेटेस्ट एप्लीकेशन टिप्स एंड ट्रिक्स गेमिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि जैसे ही अगला अपडेट आए आप लोगों को सबसे पहले देखने को मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।